अस्सलाम वालेकुम। नरेंस किचन में आज मैं शेयर कर रही हूँ मज़ेदार सी ड्रिंक की रेसिपी, जो रिफ्रेशिंग भी है, हेल्दी भी है और खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो फिर शुरू करते हैं बनाना। इस ड्रिंक को बनाने के लिए गैस पे पैन चढ़ा दी हूँ और इसमें 2 कप पानी डाल रही हूँ। फिर इसमें जेली का पाउडर डाल रही हूँ। मैं रास्बेरी फ्लेवर का यूज़ कर रही हूँ। यह जेली पाउडर मार्केट में इजीली अवेलेबल है। मैं एक पैकेट पूरा यूज़ कर रही हूँ। इसे इस तरह से कंटिन्यू चलाते रहना है जब तक कि ये पाउडर पानी में घुल ना जाए अच्छी तरीके से। अच्छी तरीके से पाउडर हमारा पानी में घुल गया है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे और फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। 15 मिनट बाद देखिए जेली अच्छी तरीके से सेट हो गया है। इसे कट करके दिखाती हूँ, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। दूसरे स्टेप में मैंने गैस पे फिर से एक पैन चढ़ा दी हूँ और इसमें 4 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। पानी का खौलते तक इसे पकाना है। उसके बाद इसमें 1 कप साबूदाना ऐड कर रही हूँ और इसे हमें इसे भी चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे पकाना है जब तक कि साबूदाने के दाने ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। इसे भी बीच बीच में चलाते हुए, कंटिन्यू चलाते हुए अब को इसे पकाते रहना है, नहीं तो ये जम जाएगा जब तक ना दाने ट्रांसपेरेंट हो जाए। देखिए अब दाने ट्रांसपेरेंट हो गए हैं, ये हमारा कुक हो चुका है। अब हम इसे गैस का फ्लेम ऑफ करके छान लेते हैं। किस्टर्नर की मदद से इस तरह से छान ले रहे हैं और तुरंत ही हमें इसके ऊपर ठंडा पानी डाल देना है ताकि कुकिंग प्रोसेस रुक जाए यहीं पर। अगला स्टेप में एक बड़े से बाउल में 1 लीटर दूध डाल रही हूँ। इस दूध को मैंने पहले गर्म करके ठंडा कर ली हूँ। अब इसमें 2 टेबल स्पून शुगर ऐड कर रही हूँ और 4 से 5 टेबल स्पून जैसे रू अफज़ा। अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि चीनी दूध में अच्छे से घुल जाए। चीनी हमारा घुल चुका है। अब इसमें ये साबूदाना जो पका के रखी थी उसे ऐड कर रही हूँ और फिर से सभी सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद इसे अब 1 घंटे के लिए फ्रिज में चिल होने के लिए रख दे रही हूँ। 1 घंटा हो चुका है, इसकी कंसिस्टेंसी भी थोड़ी गाढ़ी हो गई है। अब इसमें मैं जेली डाल रही हूँ और इसे भी अच्छे से मिला ले रही हूँ। हम इसी टाइम में इसमें कुछ कटे हुए नट्स भी डाल रही हूँ। आप अपने पसंद के नट्स कुछ भी डाल सकते हैं, इससे और ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी हो जाएगा। इसे अब 1 गिलास में सर्व करके दिखाती हूँ। देखिए ड्रिंक कितना कलरफुल लग रहा है और ये फटाफट से बनने वाला ड्रिंक है, तो आप भी ज़रूर से ट्राई करिएगा। अगर आपको अब तक की मेरी वीडियो जरिए थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे और ऑल बटन को भी दबा दे ताकि कोई भी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंच जाए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।